अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, मेवात के सभी उम्मीदवार इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों जो भी स्कूल बूथ के लिए डिसाइड हुए हैं उन स्कूलों के गेट से 200 गज़ के दायरे के अंदर कुछ नहीं रहेगा, वो बिल्कुल खाली रहेंगे और कोई एजेंट अंदर नहीं जाएगा। एजेंट जब अंदर जाते हैं तो झगड़ा बढ़ता है, इसलिए कोई भी एजेंट अंदर नहीं जाएगा। सभी एजेंट गेट से बाहर रहेंगे, जिसमें वोट डलेगी उस कमरे से बाहर बैठे हुए होंगे एजेंट, और कोई भी एजेंट अपने साथ फ़ोन नहीं ले जाएगा, नहीं तो झगड़ा बढ़ सकता है। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना और शेयर ज़रूर करना। मेवात के सभी उम्मीदवार इस वीडियो को ज़रूर देखें। आप लोग पहले से भी जानते हैं, आपको पीछे DSP साहब ने बताया भी होगा, मैं उनको दोबारा दोहराता हूँ जो बहुत अहम है। एक तो जो बूथ हमने डिसाइड किए हैं जिन जिन स्कूलों में हैं, वो स्कूलों के मेन गेट से 200 गज का जो दायरा है वो आपको बिल्कुल खाली छोड़ना है। इसकी पुरजोर हमने पालना करनी है। आपने किसी में भी कोई तंबू, कोई मेज कुर्सी, कोई भीड़ इत्यादि 200 गज के दायरे में नहीं इकट्ठी करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो तुरंत प्रभाव से वो तंबू वो चीज़ वो हटा दी जाएगी और तब आपको फिर बुरा लगेगा उस दिन। तो इसलिए आप उस चीज़ की पालना करें और पहले से ही अपना जो इस नियम को पालना करते हुए 200 गज का दायरा मेंटेन करें। सेकंड है, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो सभी ब्लॉक्स में मैक्सिमम प्रत्याशियों ने हमसे रिक्वेस्ट करी कि पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो बूथ के बाहर रहें, क्योंकि जब जब वो अंदर रहे हैं तब तब झगड़े होने की आशंका बढ़ जाती है। और पोलिंग एजेंट का मेजर काम होता है वोटर की पहचान करना, तो वोटर की पहचान बाहर रह के भी की जा सकती है। जहाँ तक निकाय चुनाव का सवाल था, निकाय चुनाव में भी सेम प्रोसेस फॉलो की गई थी और बड़ा पीसफुल इलेक्शन हुआ था। तो इसी तर्ज पर फैसला लिया है कि ये पोलिंग एजेंट्स जो हैं ये बाहर ही रहेंगे, ये अंदर नहीं बैठेंगे। पोलिंग एजेंट्स को मोबाइल फ़ोन भी निषेध होगा, तो इसलिए वो मोबाइल फ़ोन ना लेकर आए, लेकर आते हैं तो जमा हो जाएगा उनका, इलेक्शन के बाद वापस मिलेगा। एक और डायरेक्शन है, ये आप लोगों प्रत्याशी होने के नाते आपके जो वोट बैंक है, आपका जो वोटर है, उसको जरूर आप, हमारी आपसे अपील है कि आप उन तक ये मैसेज पहुंचाएं कि वोट देने के बाद जो आपकी शाही है वो लग जाती है, उसके बाद आप उस बूथ को, उस प्रांगण को, उसको छोड़ दें। अक्सर लोग वोट देने के बाद भी इधर उधर घूमते रहते हैं, कहीं ना कहीं पार्कों में, कहीं बाहर, जो व्यर्थ में जो है जो झगड़े का कारण बनता है। तो ऐसा ना हो कि अगर वो खड़े हैं और किसी ना किसी लड़ाई का हिस्सा बन गए और फिर मुकदमा दर्ज हो गया, तो इससे बचना है तो आप लोगों को तुरंत अपना जो वोट जिसने डाल लिया वो अपने अपने घर जाए। इसके अलावा और बहुत सारी जो गाइडलाइंस हैं चुनाव संबंधी, उन सभी की आपने